गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में एडिशन ऑफ नंबर्स अप टू 50, पहले हमने सम्स किए हैं, उसमें ऊपर तो वंस और टेंस रहे हैं और नीचे जो हैं ओनली वंस ही ऐड करना था और टेंस के प्लेस पर कुछ भी डिजिट नहीं था। आज हम जो नंबर्स करने जा रहे हैं इसमें ऊपर भी वंस और टेंस दिए गए हैं और नीचे भी आपके वंस और टेंस दोनों ही ऐड करने हैं। बेटा आपका मेथड जो है वो सिमिलर ही रहेगा जैसे आप पहले करते थे। जो हमारा बिगर नंबर है उसे हम माइंड में रखेंगे और जो स्मॉलर नंबर है उसे हम फिंगर्स पर काउंट करेंगे। बेटा किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसी बताए हुए मेथड से करते रहोगे। तो ऊपर हमारा है 7 और नीचे है 1, तो दोनों में से हमारा बिगर नंबर कौन सा है? बेटा आप ये पहले से ही करते आ रहे हो कि हमें बिगर नंबर मालूम होता है, तो बिगर नंबर हमारा है 7, तो इसे हमने माइंड में रखा है, इसे हमने ध्यान में रखना है। और 1, तो 1 तो हमें फिंगर्स पर भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा जो हमारा ऊपर नंबर दिया गया है उसके आगे 1 नंबर और आप बोल लोगे और वही राइट करोगे। 7 के बाद जैसे आता है हमारा 8, तो यहाँ राइट कर देंगे हम 8। ओके नेक्स्ट, अब इस साइड हमारे टेंस में 1 और 3 दिए गए हैं, इसमें से 3 जो है बिगर नंबर है और 1 जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो इसमें भी हमें 1 को जो है स्मॉलर नंबर जो है हमारा इसे हमें फिंगर्स पर काउंट करने की कोई नीड नहीं है। 3 के बाद हम एक नंबर और काउंट कर लेंगे, 3 के बाद आता है 4, तो हम यहाँ राइट कर लेंगे 4। नेक्स्ट 5 प्लस 2, इसमें से दोनों में से बिगर नंबर हमारा है 5, जिसे हम माइंड में रखेंगे 5 को और 2 को हम काउंट कर लेंगे 1 2। 5 के बाद क्या आता है बेटा? 6 एंड 7, तो यहाँ राइट कर देंगे 7। अब 2 में 1 और ऐड करना है हमें, तो 2 के बाद 1 एक नंबर और काउंट कर लेंगे, 2 के बाद आता है 3, तो यहाँ राइट कर लेंगे 3। नेक्स्ट है हमारा 4 और 3 दिया गया है, तो दोनों में से हमारा बिगर नंबर है 4, तो 4 को हम माइंड में रखेंगे और 3 को फिंगर्स पर काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3। आप 4 के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 6 एंड 7, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 7। आप दोनों ही नंबर हमारे सेम हैं, तो एक नंबर को हम माइंड में रखेंगे, दूसरे को हम फिंगर्स पर काउंट कर लेंगे 1 एंड 2, 2 के बाद 3 4, तो यहाँ राइट कर देंगे 4। ये हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद है 3 प्लस 6, 3 में हमें 6 ऐड करने हैं, तो दोनों में से बिगर नंबर हमारा है 6, 6 को हम माइंड में रख लेते हैं और 3 को फिंगर्स पर काउंट कर लेंगे 1 2 एंड 3, 6 के बाद अब काउंट करेंगे यहाँ से 7 8 9, यहाँ राइट कर देंगे हम 9। नेक्स्ट है हमारा 4 एंड 5, तो दोनों में से हमारा बिगर नंबर कौन सा है? बेटा पहले ये चूज़ करना है हमें, 5 हमारा बिगर नंबर है जिसे हमने माइंड में रखना है और स्मॉलर नंबर को हम फिंगर्स पर लेंगे 1 2 3 4। अब 5 के बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं 6 7 8 एंड 9, यहाँ राइट करा 9। ओके इसी तरह से आगे है हमारा 4 में हमें 1 और काउंट करना है, यानी कि इसे फिंगर्स पर काउंट नहीं करके 4 के बाद एक डिजिट और बोल देंगे 5, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट है 2 एंड 2, 2 में 2 और ऐड करने हैं 1 2, एक 2 को हमने माइंड में रखा, एक को फिंगर्स पर ले लिया है, 2 के बाद 3 एंड 4, यहाँ राइट कर दिया 4। नेक्स्ट 7 में 2 हम ऐड करेंगे, तो क्या 7 हमारा बिगर नंबर है, इसे हमने माइंड में रखना है, 2 को हम फिंगर्स पर लेंगे 1 एंड 2। अब 7 के बाद स्टार्ट करते हैं 8 एंड 9, यहाँ राइट किया 9। अब 1 में 3 प्लस करने हैं, तो दोनों में से बिगर नंबर 3 है उसमें 1 ही ऐड करना है, तो 3 के बाद 1 और बोल देंगे हमारा 4, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट 7 में हमें 2 और ऐड करने हैं बेटा, तो क्या करेंगे 7 को जो कि बिगर नंबर है इसे हमने माइंड में रखा है, 2 और काउंट करेंगे फिंगर्स पर 1 2, 7 के बाद 8 एंड 9, ये हमने यहाँ राइट कर दिया। नेक्स्ट है 3 में 1 प्लस करना, तो 3 के बाद 1 और काउंट कर देंगे, तो क्या हो गया हमारा 4। ओके नेक्स्ट है 6 में हमें 3 प्लस करने हैं, 6 माइंड में रखेंगे और 3 को हम फिंगर्स पर काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, 6 के बाद 7 8 एंड 9, यहाँ राइट कर दिया 9। 2 में 1 और ऐड करना है हमें,
तो टू के बाद वन डिजिट और काउंट कर देंगे, टू एंड वन थ्री। तो ये थे हमारे पेज नंबर 96 पर जो प्लस के सम्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद टू लाइंस आपको इसी तरह से और दिए गए हैं जिसे आप अपने आप फिल करोगे बुक में। ओके बेटा, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।